हे गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला कि कैसे आप इस 2x2 क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि दो कॉर्नर का एक बार बनाना है। दो वाइट कॉर्नर को आपको पहले ज्वाइन करना है। तो हमें ये दो कॉर्नर दिख रहे हैं जो कि इजीली ज्वाइन हो सकते हैं, तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें थर्ड पीस के लिए ढूंढना है। ये दो हो गए हमारे, अभी थर्ड पीस ये लेयर में, नीचे के लेयर में ढूंढना है, दो पीस को ज्वाइन करना है। तो तीसरा लेयर तो आप, तीन पीस तो आप आसानी से लगा सकते हो, लेकिन चौथा पीस अगर आप लगाने जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जैसे ही ये पीस को ऊपर लगाओगे तो ये टूट जाएगा। अगर आपको 3x3 आता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 3x3 नहीं आता है तो मैंने ऊपर लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप 3x3 को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम। इसको अवे पुश करना है, फिर इसको नीचे लेना है, फिर इसमें फिट करके इसको फिर से ऊपर करना है। तो फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप डायरेक्टली लगा देंगे तो टूट जाएगा, तो डायरेक्टली लगाना नहीं है आपको। पहले वो ब्लैंक पोजीशन के नीचे लाना है उसको, वाइट को, फिर अवे पुश करना है, ब्लैंक पोजीशन को नीचे करना है और उसमें फिट करके उसको लगाना है। अभी लेफ्ट साइड से मैं दिखा देता हूँ, ये राइट साइड से लगा था। अभी अभी इसके ब्लैंक पोजीशन इसके ऊपर है और वाइट भी सामने है, तो हमेशा ब्लैंक पोजीशन को इसके ऊपर ही रखना है वाइट पीस के, और वाइट पीस लेफ्ट में। तो हम इसको अभी राइट में घुमाएंगे क्योंकि ऐसे ही वो नीचे चला जाएगा क्योंकि लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो अभी पुश किया, ब्लैंक पोजीशन को नीचे लिया, वाइट को फिट किया और लगा लिया, तो ये हमारा वाइट बन गया। तो अभी एक कंडीशन बची हमारी जो बहुत रेयर है। तो अभी हमारा एक पीस बचा है, लेकिन जो वाइट है जो नीचे की लेयर में हमें दिख नहीं रहा, तो बॉटम के लेयर में, नीचे की लेयर में लेकिन बॉटम में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो ब्लैंक पोजीशन है उसके एग्जैक्ट नीचे उस वाइट कॉर्नर को लाना है और फिर नीचे करके दो बार घुमाना है, तो इस तरह वो बाहर आ जाएगा। फिर इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ब्लैंक पोजीशन को वाइट पीस, वाइट कॉर्नर के ऊपर लेके आते हैं। इस साइड से वाइट पीस नहीं दिख रहा, इसलिए हम वाइट पीस को ऐसे पकड़ा है और ब्लैंक पोजीशन को उसके ऊपर पकड़ा है। अभी इसको अवे पुश करते हैं, ब्लैंक पोजीशन को नीचे पुश करते हैं, वाइट को फिट करके लगा देते हैं, तो ये हमारा वाइट हो गया। तो इस तरह आपको वाइट तो बन जाएगा, लेकिन वाइट के बाजू के कलर नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमें देखना है कि कोई एक भी कलर बना है कि नहीं। तो इसमें एक भी कलर नहीं बना है, तो इस कंडीशन में आप राइट साइड को दो बार नीचे करना है, फ्रंट साइड को दो बार नीचे करना है, राइट साइड को फिर से लगाना है, जिससे आपका पूरा वाइट कलर सॉल्व हो जाएगा। फिर से देखते हैं, राइट साइड को दो बार नीचे, फ्रंट साइड को दो बार नीचे, फिर राइट साइड को दो बार ऊपर। ये देखिए, राइट साइड को हम दो बार नीचे करेंगे, फिर फ्रंट साइड को जब दो बार नीचे करेंगे तो ये दो कॉर्नर है वो स्वैप हो जाएंगे और हमारा पूरा वाइट कलर सॉल्व हो जाएगा। ये तभी काम आएगा जब आपका एक भी कलर वाइट में नहीं बना है। तो एक अभी मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखा देता हूँ जिसमें एक कलर बना होगा, ये कलर ऑरेंज कलर बना है, तो उसको हमें पीछे रखना है और जो गलत पीस है वो एक निकाल देना है और जो दूसरा गलत पीस है उसकी जगह पे उसको लगाना है, और फिर ये जो गलत पीस है जो उसी जगह पे उल्टा लगा है तो हमें उसको वहाँ से निकालना है पहले, और फिर जैसे पहले मैंने बताया था उसी हिसाब से उसको लगाना है। तो इस ब्लैंक पोजीशन के उसके ऊपर लाते हैं, फिर अवे पुश करते हैं, ब्लैंक पोजीशन को उसके नीचे पुश करते हैं और फिट करके लगा देते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट लेयर हो गया। अभी वाइट कलर हमारा हो गया है, उसको हमें नीचे पकड़ना है और ऊपर हमें येलो बनाना है। तो येलो बनाने के लिए हमें एक फार्मूला का यूज़ करना है, जिससे जो हमने 3x3 में यूज़ किया था सेम फार्मूला, ऊपर करके एक वाइट निकालना है राइट साइड से और आगे पुश करके फिर से राइट साइड में लगाना है। तो ऊपर मैंने फार्मूला भी दिया है, यह तब तक करना जब तक आपको एक डॉट नहीं मिल जाता। जब आपको एक डॉट मिल जाएगा वो इस पोजीशन में पकड़ना है लेफ्ट डाउन में, फिर से आर यू आई डैश यू आर यू टू आर डैश, इससे आपका येलो सॉल्व हो जाएगा। तो एक डॉट नहीं आता तब तक आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है पूरा येलो बनाने के लिए। तो मैं आपको अलग अलग कंडीशन दिखा देता हूँ कि कौन सी कंडीशन में इस क्यूब को कैसे होल्ड करना है। तो ये पहली कंडीशन है जिसमें एक भी कॉर्नर सॉल्व नहीं है और दो साइड के कॉर्नर साइड में हमें दो येलो दिख रहे हैं, तो
ये दो येल्लो को, येल्लो के बार को हमें लेफ्ट साइड में पकड़ना है और सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, इससे हमें एक डॉट मिल जाएगा। फिर से हमें सेम फार्मूला वो लेफ्ट डाउन में पकड़ के यूज़ करना है, हमेशा लेफ्ट डाउन में ही एक डॉट पकड़ना है, ये बात ध्यान रखिए, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, ये हमारा हेलो सॉल्व हो गया। अभी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम, तो ये है हमारी दूसरी कंडीशन जिसमें ये भी सेम है लेकिन इसमें दोनों साइड में बार नहीं है, एक ही साइड में बार है, तो इस कंडीशन में भी इस बार को लेफ्ट में ही पकड़ना है, एक भी कॉर्नर सॉल्व नहीं, तो और सेम फार्मूला यूज़ करना है, तो आपको डॉट मिल जाएगा, डॉट को लेफ्ट और डाउन पोजीशन में पकड़ना है और सेम आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, और आपका क्यूब वाइट येलो वाइट फेस सॉल्व हो जाएगा। अभी ये कंडीशन में दो कॉर्नर सॉल्व हो गए एक साइड के, तो ये बार बन गया, तो इस बार को हमें राइट साइड में पकड़ना है और सेम फार्मूला यूज़ करना है, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, तो आपको एक डॉट मिल जाएगा, तो इस डॉट को हमें लेफ्ट में पकड़ना है और सेम फार्मूला यूज़ करना है, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश। अभी हमें फिर से डॉट मिला, फिर से उस डॉट को लेफ्ट डाउन साइड में पकड़ना है, फिर आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, तो हमारा येल्लो पूरा हो गया। अभी ये लास्ट कंडीशन है जिसमें डायगोनल वाले कॉर्नर सॉल्व है, तो उसको इसी कंडीशन में पकड़ना है, एक पहले वाले कंडीशन में एक फोर्थ जगह पे इसी कंडीशन में, लेकिन एक येल्लो आप बाहर का आपकी तरफ पॉइंटेड होना चाहिए, अभी इस तरह नहीं पकड़ना है क्योंकि यहाँ पे येल्लो आपकी तरफ पॉइंटेड नहीं है, इस तरह हमें तीन येल्लो दिख रहे हैं, तो आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, यही फार्मूला यूज़ करना है, फिर आपको एक डॉट मिल जाएगा, फिर से आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है और फिर आपको फिर से एक डॉट मिल जाएगा, और इस बार आपका पीस क्यूब का वाइट येलो सॉरी येलो लेयर सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा येलो लेयर सॉल्व हो चुका है। तो अब हमारा येल्लो तो बन गया है, अब हमें बनाना है बाजू के कलर, साइड साइड के कलर बनाने, तो इससे पहले हमें देखना है कि कोई भी एक कलर सॉल्व हुआ है कि नहीं, तो जैसे यहाँ पे रेड सॉल्व हो गया है, तो अगर हो गया हो तो इसको हमें लेफ्ट साइड में पकड़ना है और एक अल्गोरिथम यूज़ करनी है जो कि हमने 3x3 में यूज़ की थी, तो ये बहुत ही सिंपल अल्गोरिथम है, अगर नहीं हुआ है तो आप कैसे भी पकड़ सकते हैं, अगर हुआ है तो आपको लेफ्ट में रखना है, तो ये अल्गोरिथम ऐसे है, लेफ्ट साइड को अप करो और वो वाइट को उसी साइड में पुश करो, अभी राइट साइड को अप करो और ये वाइट को राइट साइड में पुश करो, अभी ये बन गया है, इसको लगाना है, अभी ये बना नहीं है तो इसको बना के नीचे लगाना है, अभी ये डॉट वाली कंडीशन आ गई जो कि हमने पहले ही स्टेप में सीखी थी, तो इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, ये हमारा हो गया। तो और एक कंडीशन है, अगर एक भी कॉर्नर हुआ नहीं है, जैसे इसमें एक भी नहीं हुआ है, तो भी आपको सेम एल्गोरिथम यूज़ करना है, लेफ्ट अप ऊपर करना है, लेफ्ट साइड में पुश करना है, राइट वाला ऊपर करना है, उसका पहला कलर राइट साइड में पुश करना है, अभी ये हो गए सॉल्व तो इसको नीचे रखना है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ तो इसको सॉल्व करके नीचे रखना है, अभी डॉट वाली कंडीशन आ गई, अभी सेम एल्गोरिथम यूज़ करना है, डॉट वाली केस आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, अभी दो हो गए हमारे दो कॉर्नर सॉल्व हो गए, अभी हमें फिर से उसको लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में रखना है और सेम एल्गोरिथम यूज़ करना है, लेफ्ट अप लेफ्ट साइड में पुश करो, राइट अप राइट साइड में पुश करो, लेफ्ट डाउन और राइट साइड सॉल्व करके डाउन, डॉट वाली कंडीशन आर यू आर डैश यू आर यू टू आर डैश, और ये हमारा सॉल्व हो गया। Yeah.